नमस्कार प्रणाम हरर महादेव। अभी अचानक से हमारे बीच टकरा गए महेश पांडे, इतिहास मशीन के बहुत बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये यूट्यूबर नहीं, ये जो सच्चाई है वो दर्शकों को बताते हैं। और आज के डेट में ये अपने दम पे और जनता के सपोर्ट से, जनता के आशीर्वाद से, इतने मतलब इनका समझे वो ठप्पा लग गया है। कमन ठप्पा तो मतलब जो लोग न्यूज रिपोर्टर होते हैं ना, लोग इनको न्यूज रिपोर्टर कम और खेसारी लाल का सपोर्टर ज्यादा बोलते हैं। तो इन्हीं विषयों में आज चर्चा करने वाले महेश पांडे से। आइए महेश पांडे जी, बाबा जी भोजपुरी में आपका स्वागत है, बताइए कैसे हैं। नमस्कार भाई लोग, सबको नमस्कार सबसे पहली बात, और आपका भी स्वागत है क्योंकि आप मेरे क्षेत्र में हैं अभी। जी जी जी, जी। तो यहाँ पे आप हमारे कंट्रोल में हैं फिलहाल क्योंकि हमारे क्षेत्र में, तो स्वागत है। और पूछिए कुछ। हाँ तो पूछ रहे थे, बहुत सारे विरोधी जो हैं, जैसे खेसारी लाल यादव को टारगेट पूरा भोजपुर इंडस्ट्री में सभी स्टार कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह खेसारी लाल को टारगेट कर रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर आपको टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या बोलना चाहिएगा उन विरोधियों के लिए, उन चमचे दलालों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि खेसारी लाल यादव को जो टारगेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं लोग, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर मेरे बारे में बात करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि खेसारी को टारगेट करेंगे तो खेसारी के यूट्यूबर्स लोग उन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई आरपी है, अगर वो खेसारी जी के खिलाफ में कुछ बोल देता है तो सारे यूट्यूबर्स लोग मिलकर के उसको रेलेंगे। रेलाई होगी तो वो चर्चा में आएगा क्योंकि खेसारी जी के पास सबसे ज्यादा यूट्यूबर्स है। सही बात, चाहने वाले भी और विरोध करने वाले भी, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक इकलौता एक ब्रांड है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका नाम टाइटल में अगर लिखते हैं तभी व्यूज जाता है, चाहे आप खिलाफ में लिखो चाहे आप सपोर्ट में लिखो। तो इसीलिए खेसारी जी के खिलाफ बोलते हैं कि उनका चर्चा होगा। अच्छा एक बात और मेरे बारे में, मेरे बारे में इसीलिए क्योंकि महेश पांडे के मुंह से एक बार, जितना भी हमारे विरोधी यूट्यूबर्स है ना, वो हर कोई अपने साथ में वीएस में महेश पांडे को देखना चाहता है, समझ रहे हैं। महेश पांडे वीएस फलाना, महेश पांडे वीएस मैया की, तो मतलब महेश पांडे वीएस अपने आप को जोड़ना चाहते हैं सारे लोग। ये अभी से नहीं हो रहा, जब से मैं आया हूँ तब से हो रहा है। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि काश हे भगवान एक बार महेश पांडे हमारे खिलाफ ही बोल दे, लेकिन बोल दे, अगर बोल दिया तो हम चर्चा में। और हुआ है ऐसा, मैंने जिसके भी खिलाफ बोला है ना उस दिन से उसको ज्यादा लोगों ने जाना है। अरे एक और बात, बहुत सारे लोग जो अभी खेसारी लाल के विपक्ष में वीडियो बनाते हैं, वो लोग सबसे पहले खेसारी लाल यादव हमारे ये हैं, खेसारी लाल यादव कुछ बोल देने से वो लोग एकदम जी जान लगा देते हैं, जैसे हम लोग अभी लगाते हैं। और जो हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग बात बोलते हैं, आज के डेट में सच्चाई है। जैसे कि आज के डेट में 100 मिलियन लोग, सबसे बड़ा रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव के नाम। बहुत सारे लोग बोलता है हलो कौन जो है ये सबसे बड़ा भोजपुरी, तो हलो कौन जो है कहीं भी भोजपुरी वर्ड नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं, सुनिए, एक गाना मान लीजिए हेलो कौन, ठीक है, चला गया 700 मिलियन 800 मिलियन एक, और उसके बाद आपका जा रहा है 4 दिन में 50,000 व्यू है, तो स्टार कौन हुआ? वो हुआ ना, आपने एक गाना बना दिया 800 के, लेकिन यहाँ पर 100 गाना 100 के है, आप जोड़ लीजिए कि वो 800 के वाला मतलब 8 ही गाना के बराबर कर पाएगा ना मिला करके। यहाँ पर 100 गाना है जो 100 के से ज्यादा व्यूज कर रखा, यहाँ पे 400 के भी है, 500 के भी है, 300 के भी है, तो जो जिसका हर गाना 100 के पार करता हो और जिसका एक गाना 800 के पार करता हो तो ज्यादा बड़ा स्टार कौन हुआ? एक तो क्लिक, देखिए कोई भी एक वर्ड होता है जो कभी कभी क्लिक कर जाता है, भगवान भरोसे वो गाना चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार बन गए। अगर ऐसे में स्टार बोला जाए तो सबसे बड़ा स्टार हम कहेंगे अवनीश बाबू को। तू हंस के बोले लुए जान, अवनीश बाबू एक नया सिंगर, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ जानता तक नहीं था, उस सिंगर का गाना आज के डेट में देखिए व्यूज देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद बिलियन होगा कुछ दिन में जी, बिलियन होगा। आज तक उस भाई ने आकर के खुद को स्टार नहीं बोला क्योंकि वो सच में जानता है कि मेरा एक ही गाना बज पाए, एक और भी गाना कोई बजाए तो एक दो गाना बजने से स्टार नहीं हो जाता है कोई। इसी तरह से अगर एक हेलो कौन बज गया तो भाई स्टार नहीं हो जाएगा, या फिर एक और गाना कोई यादव जी का नाम लेकर के गा दिया, कोई भोजपुरी स्टार उसको गा देने से वो भोजपुरी सॉन्ग नहीं हो जाएगा, ये भी बात है। हाँ, कोई भोजपुरी स्टार गा दिया हिंदी गाना तो वो भोजपुरी सॉन्ग नहीं हो जाएगा, वो हिंदी ही गाना रहेगा। वो टिकटॉक के टाइम का गाना था,
वो उस टाइम में वायरल हो गया था। मैं हेलो कौन का कोई खिलाफ नहीं हूँ, कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस तरह की बात कहते हैं कि हेलो कौन गा दिया इतना बड़ा गाना तो बड़ा स्टार वो हो गया, इस तरह की अगर कोई बात करता है, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिसका हर गाना जाएगा ना व्यूज 100 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन वो होता है स्टार। एक गाना गा दिया और बाकी फिर चौपट, बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है कुछ भी नहीं।